गए, कहीं से कागज ले आए, कह लगे शिवराज के भाई का भी कर्जा माफ कर दिया, जबकि मेरे भाई पे कोई कर्जा ही नहीं है। जनता को समझाने के लिए बोले कर्जा माफ कर दिया। अंधेरे में मत रखो, नहीं तो जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि बरसों तक कांग्रेस का पता नहीं चलेगा। और आज मैं कह रहा हूं, कांडला की धरती पर मेरे किसान भाइयों, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों, ये कर्जा तो अब इस सरकार को माफ करना पड़ेगा, और माफ नहीं किया तो कमलनाथ तुम्हारी सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं, तुम्हारे मंत्रियों का गांव में घुसना मुश्किल कर देंगे। ये नहीं चलेगा कि वादा किया और खिसक लिए। अरे कर्जा है 48,000 करोड़ का और बैंकों को दिया इनने 1300 करोड़। अब बताओ 48,000 करोड़ का कर्जा 1300 करोड़ में माफ होगा क्या? पैसा ना धेला थांदला का मेला लगे, कर्जा माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया, अब जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मैं जाता हूँ मुख्यमंत्री से बात करता हूँ, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा? तो कमलनाथ कहते हैं भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। अरे कुछ तो शर्म करो, इन्हने नौजवानों से वादा किया था कि नौजवानों कांग्रेस को जिताओ, 4,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। थानला के मेरे बेटे बेटियों बताओ, किसी को 4,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? बेरोजगारी भत्ता भी खा गए। फिर तीसरी चीज कही, हम रोजगार देंगे रोजगार। हमने मुख्यमंत्री से पूछा कौन सा रोजगार देने वाले हो, तो मुख्यमंत्री कहने लगे हम बहुत अच्छा रोजगार ढूंढ के लाए। हमने कहा क्या? बोले हम ढोर चराने की ट्रेनिंग देंगे लड़कों को। अब बताओ ढोर चराने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है क्या? और मेरे बेटे और बेटियों ढोर चराओगे क्या? एक और धंधा झूठा है कि बैंड बजाने की ट्रेनिंग देंगे। बैंड बजाओगे क्या? तो कांग्रेस के बैंड बजा दो 19 तारीख को, ऐसी जमीन दिखाओ कि कांग्रेस झूठ बोलना बंद कर दे। अरे मामा जो देता था सुविधाएं वो इनने छीन ली रे। किसान भाइयों दिल पे हाथ रख के सोचो, मैं मुख्यमंत्री होता तो अब तक खाते में कितना पैसा डाल देता? मैं 500 रुपया कुंटल सोयाबीन के डालता, मैं 500 रुपया कुंटल मक्के के किसान के खाते में डालता, मैं उड़द का डालता, उड़दा का डालता, मैं मूंग का पैसा डालता, मैं चने का डालता, मैं मसूर का डालता, मैं लहसुन का डालता, मैं प्याज का डालता, मैं सूखे का डालता, मैं पाले का डालता। इनने एक पैसा डाला है किसान के खाते में? भैया तो कभी मुख्यमंत्री निकलते ही नहीं है, गांव में जाते ही नहीं है। मामा कितना चक्कर लगाता था। मैंने कहा जनता के बीच में तो जाओ, कहने नहीं सब बढ़िया है, लोग मेरी जय जयकार कर रहे हैं और बहुत अच्छी सरकार चल रही है। अरे मिनका तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, जरा जनता में तो जा भैया। झूठ बोल रहे हैं, झूठ, कर्जा माफ कर दिया, बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। किसानों की सारी सुविधाएं छीन ली। और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, कितनी चीजें मैंने संभल में की थी। मेरे बेटा बेटियों की पढ़ाई की मैं फीस भरता था, स्कॉलरशिप जनवरी में आ जाती थी। कई आदिवासी बेटे बेटे ऐसी है जिनके अब तक स्कॉलरशिप खाते में नहीं पहुंची है, स्कॉलरशिप नहीं आई बच्चों की। मैं बेटा बेटी अगर कॉलेज में पढ़ते थे किसी शहर में जाके, तो कमरा किराए पे लेते थे तो फीस मामा भरवाता था। इन बेईमानों ने वो किराया मकान का मैं भरवाता था, इन बेईमानों ने वो किराया भरवाना बंद कर दिया। और मेरी बहनों, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपया मैं देता था ताकि मेरी बहन आराम करे और लड्डू खाए। इनने मेरी बहनों के लड्डू भी छीन लिए, वो 16,000 रुपया बंद कर दिए। बिजली के बिल मैंने 200 कर दिए थे, 200 से ज्यादा नहीं आएंगे। अब कई जगह जा रहा हूँ तो कहते मामा मर गए, 10,000 का, 15,000 का। सुनो रे थानला वालों, 200 रुपया से ज्यादा बिजली का बिल नहीं देना है, और अगर ये बिजली काटेंगे तो मामा जोड़ने आएगा डंके की चोट, लड़ाई लड़ूंगा मैं, बिल्कुल चिंता मत कर। अब बिजली के बिल तो बड़े आ रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं आ रही है, बार बार जा रही है। जा रही है कि नहीं जा रही है? अरे जोर से बताओ, जा रही कि नहीं? अब जब जब बिजली जाएगी मामा याद आएगा। कहां से
में लाया था। 15 साल पहले अंधेरा था, टूटी फूटी सड़कें, आने जाने के रास्ते नहीं थे, बिजली मिलती नहीं थी। दिन और रात मेहनत करके मैंने 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की, सड़कों का जाल बनाया। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ा। इस्तीफा देके मैं तो आपकी सेवा में लग गया। और एक वचन देता हूँ थांडला वालों, जब तक मेरी, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी को प्यार नहीं करता, मैं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता आप सबको प्यार करता हूँ। कुर्सी रह जाए मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, मैं तो आपके लिए लड़ूंगा जब तक मेरी सांस चलेगी और हाथ पांव चलेंगे। मैं अपनी जनता की लड़ाई लड़ता रहूंगा। लेकिन तकलीफ होती है, जिस मध्य प्रदेश को इतने प्यार से मैंने बनाया, दिन और रात मेहनत करके बनाया, 24 घंटों में तुम्हारा मामा बेटा 3-3 घंटे सोया है, केवल 15 साल 3-3 घंटे सोया है। इतनी मुश्किल से मैंने मध्य प्रदेश को बनाया, ये मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, विकास के सारे काम ठप्प है। मेरी बहनों, जो 4 लाख रुपया मैं एक्सीडेंट पे मौत पे देता था, वो 4 लाख रुपया इनने बंद कर दिए। गरीबों को अंतिम संस्कार के लिए, कफन के इंतजाम के लिए 5,000 रुपया देता था, इस बेईमान सरकार ने वो 5,000 रुपया भी गरीबों के छीन लिए, मेरे प्रदेश को तबाह कर रहे हैं, सारी योजनाएं बंद कर दी गई है। मैं चेतावनी देता हूं इस सरकार को, अगर संबल की गरीबों की योजना चालू नहीं की तो सड़कों पर संघर्ष करेगा मामा। मैं अपनी जनता के लिए लगातार लड़ाई लड़ूंगा, मैं लगातार खड़ा रहूंगा। एक काम चल रहा है, बस एक काम, पर वो काम है पैसे कमाओ पैसे लूटो। कांग्रेस के नेता गर्दन दबा दबा के कर्मचारियों की अधिकारियों की लाओ पैसा, रे पैसा देने के पोस्टिंग हो रही है, हर पोस्ट के दाम तय हो गए, हर चीज बिकाऊ हो गई है सरकार में। बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ हर चीज बिकती है। कर्मचारी अधिकारी की गर्दन पकड़ पकड़ के पैसा वसूल रहे हैं, ठेकेदारों से पैसा वसूला जा रहा है, ठेकेदारों से काम हो ना हो हमें पैसा ले आओ। और जब छापा पड़ा इनकम टैक्स का, पता है कि नहीं आपको, अरे पता है कि नहीं, भोपाल में जब इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो नोटों के बंडल पे बंडल, गड्डियों पे गड्डियां, 281 करोड़ रुपए निकल भगे। कांग्रेस तेरी गजब गति, 4 महीने ही मैं अरबपति। एक छापे में ये बरामद हुए, लूट लिया लुटेरों ने मेरे प्रदेश को, कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत बदतर हो गई है। मेरे बहनों और भाइयों, इस कांग्रेस के डीएनए में भ्रष्टाचार है, इस कांग्रेस के खून में भ्रष्टाचार है। राहुल बाबा बहुत भाषण देते फिरते हो, मेरा दिल 56 इंच का, अब सीना तो 56 इंच का सुना था हमने, दिल तो 3.5 इंच से ज्यादा कभी नहीं सुना, लेकिन राहुल का दिल हो गया है 56 इंच का। अब मैं सोच रहा था ये 56 इंच का कैसे हो गया, बाद में मैंने सोचा कर्जा माफी का वादा पूरा नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, किसानों के सारे लाभ छीन लिए, संबल योजना बंद कर दी, तो इतना झूठ फरेब और मक्कारी भर गई दिल में कि बढ़ के वो 56 इंच का हो गया। ये 56 इंच का दिल जनता को बर्बाद कर रहा है, मेरे बहनों और भाइयों, जनता को बर्बाद कर रहा है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसने ऐलान किया न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचारियों पे छापे पड़ते हैं, जितने भ्रष्टाचारी है वो सब इकट्ठे हो गए, मोदी नहीं होना है। हमको मोदी ने क्या किया, तुम्हारी भैंस मारी क्या मोदी ने, भाई मोदी क्यों नहीं होना, क्या मोदी इससे नहीं होना कि वो काले धन की अर्थव्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा है, क्या मोदी इसलिए नहीं होना कि वो भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कर रहा है। मोदी जी ने 10 दिशाओं में भारत का विकास किया है, जनता के कल्याण की अनेकों योजनाएं बनाई है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी जो आपको वचन देती है, 2022 तक कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बना के दे दिए जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती। जो छोटे किसान है हमारे, 60 साल की उम्र के बाद उनको पेंशन देने का काम करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला रसोई गैस योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एक नहीं अनेकों योजनाएं बनाई है, इसलिए इनको मोदी बुरा लगता है। अरे विकास का पर्याय है मोदी, जनता के कल्याण का पर्याय है मोदी, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का पर्याय है नरेंद्र मोदी। आप सोचो बहनों और भाइयों,
जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी आतंकवादी हमले होते थे, आते थे आतंकवादी, बम विस्फोट करते थे, मारते थे, वापस चले जाते थे, बंबई को लाशों का शहर बना दिया था इनने। तब के भारत के प्रधानमंत्री क्या पाकिस्तान के साथ आंख मिला के बात करते थे? उस समय तो रोते ही रहते थे, पाकिस्तान ने मारा, पाकिस्तान से बचाओ, आतंकवादियों, आतंकवादी मार के जाते थे। ये तब का भारत था। मैं केवल एक घटना आपको बताना चाहता हूँ, शहीद सुधाकर सिंह आतंकवादियों ने मारा और सिर काट के ले गए, सीधी के थे अपने पाकिस्तान की धरती पर, और सिर को धरती पर रखकर फुटबॉल की तरह ठोकरे मारी मेरे बहनों और भाइयों। उन्होंने शहीद के सिर का अपमान नहीं किया, उन्हें भारत माता का अपमान किया था, और उस समय की निकम्मी सरकार शहीद के सिर को वापस नहीं ला पाई। मैं अंतिम संस्कार में गया था शहीद के, उनकी पत्नी केवल एक ही बात कहती थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पति का शीश वापस ला दो, मैं उनके अंतिम दर्शन तो कर लूं। लेकिन वो निकम्मी सरकार शहीद के शीश को वापस नहीं ला पाई और हमें केवल धर का अंतिम संस्कार करना पड़ा। एक वो दिन था, एक वैसा भारत था, और आज नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, पुरी में आतंकवादी हमला हुआ, तो भारत ने ऐसे घुस घुस के मारा कि पाकिस्तान से ना रोते बन रहा है ना हंसते बन रहा है, पाकिस्तान की हालत खराब है। इमरान खान अब दुनिया से कह रहे हैं मोदी से बात कराओ, पाकिस्तान को बचाओ, और हमने संकल्प लिया है कि आतंकवादियों, अरे धरती पर तो क्या पाताल में भी घुस जाओगे तो घुस घुस के मारेंगे, घुस घुस के मारेंगे। आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे बहनों और भाइयों, जो हमारे जवानों का खून बहाए, जो निर्दोष लोगों को मारे, उनको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? जोर से बताओ, मारना चाहिए कि नहीं? और आज भारत मार रहा है। सिमी के आतंकवादी है कांग्रेस ने पैदा किए, हमने उनको जेलों में बंद किया, और जब जेल से भागे तो भोपाल में 4 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाने दिया और सबको ढेर कर दिया। भारत माता से गद्दारी करने वाले परिणाम भुगतेंगे। लेकिन कांग्रेस आतंकवादियों देशद्रोहियों के साथ खड़ी है। जाकिर नायक जो आतंकवादियों की प्रेरणा है, वो कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो मैं भारत आ जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ। मेरे बहनों और भाइयों, जो लोग कहते हैं भारत मेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप बताओ ऐसे देशद्रोहियों को जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जोर से बताओ, जाना चाहिए कि नहीं? और ये कांग्रेस कहती है हम देशद्रोह की धारा खत्म कर देंगे, हम देशद्रोह की धारा खत्म नहीं होने देंगे। भारत माता के साथ गद्दारी करने वाले, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वाले जेलों में सड़ेंगे मेरे बहनों और भाइयों। हम भारत माता के पुजारी हैं, हम अपने देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, और इसलिए आज मैं आपसे विनम्र निवेदन करने आया हूं। नरेंद्र मोदी ने 10 दिशाओं में भारत का विकास किया है, बताइए मोदी के मुकाबले कोई है क्या? हम विपक्ष से ही पूछते हैं बताओ नेता कौन है, तो एक दर्जन आ जाते हैं, अरे हम तो हैं, मायावती जी, अखिलेश जी, ममता दीदी, देवेगौड़ा, चंद्रा बाबू, राहुल बाबा, हमका तुम में से बनोगे कौन? बोले हमारे गले में माला डाल दो नारद जी की तरह, हम तैयार हैं, घुंघरू पांव में बांध के तैयार है, 5-5 सीटें नहीं है, मेरे पांव में घुंघरू बंधा दो तो फिर मेरी चाल देखना, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। बताइए कोई देश चला सकते हैं क्या? जोर से बताओ, चला सकते हैं क्या? कहते हैं बारी बारी से बना दो, हमें बारी बारी से, सोमवार को मायावती, मंगलवार को अखिलेश जी, बुधवार को ममता दीदी, गुरुवार को चंद्रा बाबू, शुक्रवार को देवेगौड़ा, शनिवार को राहुल गांधी, इतवार को छुट्टी, ऐसे देश चलेगा क्या बताओ? और इसलिए मैं आज निवेदन करने आया हूँ, विधानसभा में थानला से चूक हो गई। कई बार मैं कहता हूँ हमसे क्या भूल हुई जो यह सजा हमको मिली, तो लोग आजकल कह रहे हैं मामा गलती हो गई रे, अब लोकसभा में बता देंगे इनको, अब जो हो गया सो हो गया। इस चुनाव में मेरे बहनों और भाइयों, ये देश का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने दामोदर साहब को खड़ा किया है, अब ये पहले भी झाबुआ में जीत चुके हैं, समाज सेवी है,
समर्पित हैं, संकल्पित हैं। कांति भाई को निपटाने के लिए हमने कहा इनसे अच्छा उम्मीदवार नहीं होगा, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने दामोदर जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपका प्यार और आशीर्वाद दामोदर जी को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले।